नमस्कार, बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। हैंडबॉल के फाइनल मैच में सिवान व नवादा ने जीत का परचम लहराया। जिला हैंडबॉल संघ बेगूसराय के तत्वाधान में दुलारपुर मठ के प्रांगण में आयोजित 3 दिवसीय 11वीं बिहार सीनियर बालक बालिका हैंडबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मैच में सिवान एवं नवादा की टीम विजेता बनी। गुरुवार को खेले गए फाइनल मैच में बालिका वर्ग में सिवान की टीम ने RLB मैरवा एकेडमी को 13-9 से पराजित किया। वहीं बालक वर्ग में नवादा के टीम ने एक संघर्षपूर्ण मुकाबले में बेगूसराय को 26-22 से पराजित कर विजेता कप पर अपना कब्जा जमाया। मुख्य अतिथि तेघरा विधायक राम रतन सिंह ने विजेता और उप विजेता टीम के खिलाड़ियों को कप एवं अन्य पुरस्कार का वितरण करते हुए कहा कि खेल को निरंतर खेलने से उसमें परंपरागत संभव है। संसाधन के कमियों के बीच खेलना और उसमें जीत हासिल करना ही अपना अलग कौशल दिखता है। इसके पूर्व खेल आयोजन समिति की ओर से महंत प्रणव भारती के द्वारा मुख्य अतिथि सहित अन्य अतिथियों को चादर एवं माला से सम्मानित किया गया। स्वागत भाषण शिक्षाविद सचिदानंद पाठक ने किया। मंच संचालन राकेश कुमार महंत ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन अधिवक्ता सह पत्रकार शशि भूषण भारद्वाज ने किया। उद्घोषक के रूप में अमरजीत कुमार एवं प्रशांत कुमार ने अपनी भूमिका निभाई। मौके पर बिहार हैंडबॉल संघ के सचिव ब्रज किशोर शर्मा, पूर्व DSP सुनील कुंवर, सरपंच अरविंद कुमार सिन्हा, मुखिया आरती कुमारी, पंसद महेंद्र ठाकुर, मंतोष सिंह, सौरभ कुणाल, अमित विकास, मंजेश आदि मौजूद थे। तेघरा से अशोक कुमार ठाकुर की रिपोर्ट।